संकल्प था कि पूरे विश्व का कल्याण हो, हर तरह का प्रदूषण चाहे वो अंदर का हो चाहे बाहर का, हर तरह का प्रदूषण दूर करने का संकल्प सतगुरु ने खुद भी लिया और अपने सभी भक्तों को भी यही संकल्प दिया कि हर तरह के प्रदूषण को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, जहाँ वो आत्मा के कल्याण के लिए पूरे विश्व को कल्याणकारी कार्यों से कल्याणकारी भावनाओं से जोड़ रहे हैं। तो वहीं पर उन्होंने बाहर की स्वच्छता, वृक्षारोपण, ऐसे कितने ही समाज कल्याण के कार्य भी अपने भक्तों को यही शिक्षा दी कि उनको हर तरह से ये कार्य भी करने हैं ताकि हर तरह से समाज का कल्याण हो। भक्त केवल परमात्मा की यशोगान ना करें बल्कि संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा करें ताकि सभी के जीवन में सुख आए, सभी के जीवन में खुशियाँ आए। तो आज पूरा निरंकारी समाज, आज पूरे देश भर में ये सफाई का अभियान जो विश्व व्यापी रूप से चल रहा है और हर तरह से मानव कल्याण को करते हुए संसार को ये प्रेरणा दे रही है कि सिर्फ अध्यात्म से नहीं कार्य होता, परमार्थ करना है तो सही मायने में जन जन का कल्याण करना होगा। पूरे विश्व के कल्याण के लिए आज निरंकारी मिशन हर तरह से प्रेरणा दे रहा है और कितने ही मानव के लिए अच्छे कार्य जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, वृक्षारोपण, समाज कल्याण के लिए सफाई अभियान में अभी विश्व भर में अनेकों हॉस्पिटल, अनेकों रेलवे स्टेशन और सभी फाउंडेशनों में ये निरंकारी मिशन अपना कार्य अच्छे से कर रहा है और यही संसार से भी यही गुजारिश करता है कि इन प्रेरणा कार्यों से सभी अपने आप को जोड़े ताकि पूरे विश्व का हर तरह से कल्याण।
आज 23 फरवरी 2019 सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के 65वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में मिशन के स्वयं सेवक अपना सफाई में योगदान देने के लिए पहुंचे हैं, जो आज पूरे देश भर में करीब 350 शहरों में 765 गवर्नमेंट अस्पतालों में, इसके अलावा 20 गवर्नमेंट स्कूलों में, 20 रेलवे स्टेशनों पर और हजारों खुले ऐसे स्ट्रीट पर मिशन के स्वयंसेवक करीबन 3 लाख की तादाद में देश भर में अपना ये योगदान दे रहे हैं, जो सतगुरु बाबा जी का भाव था कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो दोनों ही हानिकारक हैं, तो बाहर की साफ सफाई और रख रखाव के लिए ये भक्त जन अपना योगदान दे रहे हैं। और साथ साथ में जो बाबा जी का ध्यान था कि इंसान के अंदर जो वैर नफरत ईर्ष्या की भावनाएं हैं वो भी मन को प्रदूषित करती है, उनसे भी इंसान मुक्त हो जाए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो बाबा जी का ध्यान था कि उनके जन्म दिवस पर इस रूप में समाज और देश के प्रति मिशन के अनुयायी अपना योगदान देकर के संसार भर को जहां ये संदेश देंगे, वहीं इसमें साफ सफाई करके जो एक बीमारियों से ग्रस्त इंसान है या समाज है उसे भी निजात पाएंगे। प्रेम से कहना, आज यहाँ सफाई अभियान के साथ साथ वृक्षारोपण का भी जो आयोजन किया गया है उसमें भी सतगुरु बाबा जी का यही भाव रहा कि आज वो एक ऑक्सीजन की कमी और मानवता को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये धरती सुरक्षित रहने के लिए स्थान बन सके, तो उसी भाव के अंतर्गत यहाँ आज मिशन के अनुयायी सिविल के इस परिसर में सफाई अभियान के साथ साथ वृक्षारोपण में भी अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे बताया गया कि करीब 500 मिशन के स्वयंसेवक इस पूरे ही परिसर में सफाई में और वृक्षारोपण में अभियान में योगदान दे रहे हैं। दाता कृपा करे कि इसी तरह से ये भक्तजन अपने आप को समर्पित करते हुए सतगुरु के आशय को पूरा करने में अपना योगदान दे सके। प्रेम से कहना, राज से कहना, धनंकार संतनकारी सेवा दल, संतनकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और हमारे सात संगत के महात्मा, लगभग 500 महात्मा ने सेवा में मिलकर योगदान दिया है और ये सील परिसर में जो कार्यरत हैं, सच्चा पाशा कृपा करें कि हम किस तरह से जो मिशन की तरफ से आदेश उपदेश आते हैं
हमको मानकर सेवाएं करते जाएं। प्यार से कहना है सत्संग जी, प्यार से कहना है दासी। यहाँ पे एज एन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स काम करती हैं सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में, और दासी यहाँ संत रंगकारी मिशन की भी बचपन से मेंबर या फॉलोअर कह सकते हैं। तो सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में आज के इस दिन पे जब सतगुरु बाबा जी का गुरु पूजा दिवस जिसको कहते हैं, उस दिन पे सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में सफाई अभियान संत रंगकारी मिशन की तरफ से और साथ ही साथ ट्री प्लांटेशन का भी आज आयोजन किया गया है। तो दासी को बहुत खुशी हो रही है कि मैं दोनों ही परिवार की मेम्बर होते हुए यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दे सकती हूँ। प्यार से कहना जो भी हाउस के भी और स्वच्छता के बेस पे सब कुछ किया उसका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। यहाँ पे आप लोगों ने ये किया, ये सैनिटेशन वर्कआउट बोले तो, और जो भी आपका यूनिफॉर्म है सेपरेशन, सो यहाँ पे आने वाले जो भी जनरेटर ऑफ वेस्ट, उनको भी एक दफ़ा ऐसा सीख मिलेगी कि नहीं वॉलंटियर्स आते हैं वहाँ पे सफाई करने, तो हमें भी गलती नहीं करनी चाहिए। और जो भी आप लोगों ने उनको भी और हमारे कर्मचारियों ने सभी लोगों को एक शिक्षा दी कि वी शुड नॉट जनरेट अ मोस्ट वेस्ट और यूज द डस्टबिन्स एंड स्वच्छता मिशन अंतर्गत सैनिटेशन वर्कआउट करना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। और ऐसा प्लान नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम संत रंगकारी फाउंडेशन के वॉलंटियर्स हैं जो हर वर्ष इसी तरीके से लोगों में स्वच्छता के प्रति, लोगों में ट्री प्लांटेशन के प्रति, लोगों में अलग अलग सामाजिक जो प्रॉब्लम है उसके प्रति अवेयरनेस तथा उसके अंदर काम करते हैं। संत रंगकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का गठन सन 2010 में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा की गई थी। आज ही के दिन पूरे हिंदुस्तान में 765 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, 20 से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस, 20 रेलवे स्टेशन, 50 से ज्यादा बस स्टॉप्स और 50 से ज्यादा गवर्नमेंट पार्क्स में और 1000 से ज्यादा सड़कों में सफाई अभियान चल रहा है। आज ही के दिन पूरे भारतवर्ष में 3,00,000 से भी अधिक वॉलंटियर्स अपना वृक्षारोपण और सफाई अभियान को चलाकर अपना 15,00,000 से भी ज्यादा मैन आवर्स का समय देकर अपना इसमें योगदान दे रहे हैं। प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक है, ये निरंकारी मिशन बाबा हरदेव सिंह का संदेश है। कचरा